आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी के बहुत ही फेमस अरबी के पत्तों के पकौड़े, और इनको बनाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए हम यहाँ पे अरबी के बड़े साइज के पत्ते ले लेंगे, और इनके पीछे का जो ये डंठल होता है उसे हम चाकू से निकाल देंगे। उसके बाद अभी थोड़ा सा डंठल इसमें रह जाता है तो उसे भी आप चाकू से निकाल दीजिएगा, क्योंकि गले में अक्सर खराश हो जाती है अरबी के जब हम पकौड़े खाते हैं तो वो इसकी वजह से हो सकती है, तो इसे भी आप निकाल दीजिएगा। और इस तरीके से सारे पत्ते धो के तैयार कर लीजिएगा। अब पत्तों के ऊपर लगाने के लिए हम एक पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है, और इस बेसन में हम 1/2 कप चावल का आटा मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लिया है, तो गुड़ आप कद्दूकस करके डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, तो इस पेस्ट में से लगभग 2 चम्मच हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी में इमली का पानी ले लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ध्यान रहे पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर इमली का पानी कम पड़ जाता है तो आप सादा पानी का इस्तेमाल करके पेस्ट बना के तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पत्तों के ऊपर लगाने के लिए मैंने पेस्ट एकदम तैयार कर लिया है। अब हम अरबी का एक पत्ता ले लेंगे और उसकी उल्टी तरफ हम पेस्ट लगाएंगे। जब आप पेस्ट लगाएं तो पेस्ट की जो लेयर है वो थोड़ी मोटी रखिएगा, ज़्यादा पतली लेयर मत बनाइएगा। और एक पत्ता जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दूसरे पत्ते को घुमाकर रखना है, उसका कोन वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और उसके ऊपर भी हम बेसन का पेस्ट लगा लेंगे। तो एक रोल बनाने के लिए लगभग आप 3 से 4 पत्ते का इस्तेमाल करिएगा। फिर उसके बाद आप रोल बनाने के लिए दोनों साइडों को इस तरीके से आपस में चिपकाइएगा, और उसके बाद रोल बनाना शुरू करिएगा। तो आप बीच बीच में पेस्ट लगा सकते हैं जिससे कि रोल आपस में अच्छे से चिपकता हुआ बने। तो स्टीम होते समय वो खुलेगा नहीं, और रोल काफ़ी अच्छे से स्टीम भी हो जाता है, साथ ही आप उसके पीस भी आराम से काट पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रोल बना के मैंने तैयार कर लिया है, और स्टीमर की ये प्लेट है जिस पे मैंने ऑयल लगा दिया था उसके ऊपर हम रोल को रख देंगे। और यहाँ पे मैं भगोने में इसको स्टीम कर रही हूँ, आप स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ढक देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं रोल को कि रोल अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो चाकू आप डालेंगे और सेंटर पे, तो चाकू एकदम आपका क्लीन आना चाहिए। ये देखिए इसका मतलब है कि रोल हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। अरबी के पत्तों का रोल जैसे ही ठंडा हो जाए तब आप उसके थोड़े से मोटे मोटे पीस काट के तैयार कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से हम इसके पीस काट लेंगे, और अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि अरबी के जो पत्ते हैं ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो गए हैं। वैसे आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पर मैं इनको थोड़ा सा सैलो फ्राई करूँगी जिससे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल हम गर्म कर लेंगे और एक एक पीस डाल के लगभग 5 से 10 मिनट हम इनको पलट कर दोनों तरफ से हल्का सा क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे, तो उससे ये खाने में क्रिस्पी भी लगने लगते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो आप इनको वैसे बनाकर ज़रूर एक बार खाइएगा। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अरबी के पत्ते के ये पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बारिश के मौसम में आप इन्हें ज़रूर बना के खाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।